हेलो फ्रेंड, दिस फिटनेस चैनल बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों की लास्ट वीडियो में जो है मैंने जो बताया था कि अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो या फिर आप वेट गेन कर रहे हो तो क्यों आपको प्री वर्कआउट में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन भी आपको दे दूंगा लिंक, तो आप जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आपको जो है पोस्ट वर्कआउट में आपको क्या खाना है, ठीक है, यानी कि वर्कआउट के तुरंत बाद क्या खाना है। तो आज के वीडियो में हम उस तरह की बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करने वाले हैं, अगर आप चैनल पर नए हो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें दोस्तों, ठीक है। फिर से बात करते हैं पोस्ट वर्कआउट के बाद, पोस्ट वर्कआउट में आपको क्या खाना है तुरंत एक्सरसाइज के बाद में। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको क्या करना, सबसे बेस्ट करना है आपको चार एग्स करना है, चार एग लेने, चार एग को आपको बॉईल करना है, उसके अंदर जो येलो पड़ता है उसको आपको निकाल के फेंकना है और आपको वाइट एग्स खाने हैं, ठीक है दोस्तों। आपको वाइट एग्स खाने हैं और उसके साथ आप जो है आप प्रोटीन पाउडर का भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, जिससे कि आपको जो है जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट अच्छे से मिले, ठीक है। आप काफ़ी जो है काफ़ी मेरे भाई जो है जो वेजिटेरियन भी है तो उन्होंने क्या करना चाहिए, तो सबसे बेस्ट बोलूँ तो उनको लिए सबसे बेस्ट वो है पनीर। जी हाँ दोस्तों, पनीर जो है आप पनीर को आप लेके ले सकते हो। आपको क्या करना है, आपको 100 ग्राम पनीर लेना है, 100 ग्राम पनीर को आपको बॉईल करना है अच्छे से। अच्छे से बॉईल करने के बाद आपको क्या करना है, सलाद लेना है, सलाद में आपको लेना है कुकुम्बर, ककड़ी, बीट और लेना है आपको ब्रोकली, उन सबको आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर आपको उसको वर्कआउट के बाद तुरंत आपको उसको खाना है। अगर आपका अच्छा बजट है तो आप जो दोस्तों आप प्रोटीन शेक, आप प्रोटीन पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। मार्केट में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोटीन मिलते हैं, लाइक ऑन तो फिलहाल ऑन का तो मैं बोलूँगा नहीं, तो लगा लेकिन आप जो है सबसे बेस्ट बोलो आपको मसल डेक, तो आप जो दोस्तों मसल डेक का ब्रांड आप यूज़ कर सकते हो। मैं खुद उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट रखता हूँ, तो आप जो है उसको यूज़ कर सकते हो अगर आपका बजट है तो। अगर नहीं है तो आप दोस्तों 100 ग्राम पनीर लेके आप मसल बिल्डिंग या फिर मसल बिल्डिंग या फिर आप वेट गेन कर सकते हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा इजी है, आपको डाइट करना है और एक्सरसाइज के बाद तुरंत आपको लेना है, ठीक है। या फिर मेरे भाई को देखता हूँ जो है एक्सरसाइज अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन जो पोस्ट वर्कआउट में खाना है ना उसको थोड़ा गैप देते हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग गैप देते हैं, जिसको जिसके कारण दोस्तों जो उनको अच्छे से रिजल्ट नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अच्छे से रिजल्ट नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों एक्सरसाइज के तुरंत बाद आप जब कुछ भी कुछ खाते हो ना तभी वो शरीर को लगता है, ठीक है। इसलिए जो आपको क्या करना है, ज़्यादा गैप नहीं देना है, जैसे आपका एक्सरसाइज खत्म होता है तुरंत 5-10 मिनट रिलैक्स करके तुरंत आप उसको आप प्रोटीन पाउडर या फिर अंडा खा के रिलैक्स हो सकते हो, ठीक है दोस्तों। तभी जाकर आपको जो अच्छा जो जितना जो आपका गोल अचीव करना है आपको रिजल्ट डेफिनेटली 100% आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको जो है पोस्ट वर्कआउट में क्या खाना है, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें दोस्तों और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले लगाने वाले में नीचे लाल कलर का बटन है उस पर क्लिक करना है, उसके बाद में बेल आइकॉन का बटन है उस पर क्लिक करना है और ऑल क्लिक करना है, जिसके कारण जिससे दोस्तों जब भी मैं फ्यूचर में कभी भी वीडियो अपलोड नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर, और हाँ जिम जाओ।